भारत में कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। देश में पिछले 24 घंटे में एक बार फिर से 2500 के करीब नए मरीज सामने आए हैं। नए मरीजों के साथ ही देश में कुल संक्रमितों की संख्या 42,500 से अधिक हो गई है। वहीं मृतकों की संख्या 1373 तक पहुँच गई है। हालांकि इनमें से करीब 12,000 लोग ठीक भी हो चुके हैं। पूरी दुनिया में संक्रमितों की संख्या 35,07,000 से अधिक हो गई है, जबकि 2,47,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। छत्तीसगढ़ में दिगर राज्यों से घर वापसी करने वाले मजदूरों से संक्रमण का खतरा बढ़ गया है। प्रदेश में रविवार की रात 14 नए संक्रमित मिले। 14 नए मामले जो सामने आए हैं उनमें से 8 दुर्ग में और 6 कवर्धा जिले के हैं। जानकारी के मुताबिक ये सभी मजदूर महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिम बंगाल से लौटे हैं। फिलहाल सभी का इलाज रायपुर एम्स में चल रहा है। इन 14 नए मरीजों के साथ छत्तीसगढ़ में अब तक कुल 57 कोरोना पॉजिटिव मिल चुके हैं, जिनमें से 36 लोग स्वस्थ होकर अस्पताल से डिस्चार्ज हो चुके हैं। फिलहाल 21 एक्टिव मरीज हैं जिनका इलाज चल रहा है। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा है कि छत्तीसगढ़ में आने वाले दिनों में संघर्ष की स्थिति बन सकती है और भी तेजी से मामले सामने आ सकते हैं। सरकार विपरीत परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयार है। विश्वव्यापी लाइलाज बीमारी कोरोना का इलाज 2020 के अंत तक संभव है, ऐसी उम्मीद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जताई है। ट्रंप का कहना है कि साल के अंत तक कोरोना के खिलाफ वैक्सीन तैयार कर लिया जाएगा। मुझे उम्मीद है कि हम सब इस महामारी को खत्म कर पाएंगे। एक न्यूज़ चैनल के कार्यक्रम में ट्रंप ने कहा कि मैं मानता हूं कि हमारे पास इस साल के अंत तक वैक्सीन मुहैया हो जाएगी। एक अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ अमेरिका की लेबोरेटरी में 115 वैक्सीन प्रोजेक्ट पर काम किया जा रहा है। अप्रैल के आखिर में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने जोर देते हुए कहा था कि महामारी की वैक्सीन जब कभी भी विकसित कर ली जाए उसे पूरी दुनिया के लिए मुहैया होना चाहिए। फिलहाल अमेरिका में कोरोना वायरस महामारी के कारण मृतकों का आंकड़ा 67,000 को पार कर चुका है, जबकि संक्रमितों की संख्या 11,00,000 से अधिक हो गई है। कोरोना वायरस का कहर चीन से निकला और पूरी दुनिया तक ऐसा फैला कि खाने पीने के सामानों में भी अब संक्रमण मिल रहा है। अभी तक जहां चमगादड़, सुअर और कुत्ते बिल्लियों से ही संक्रमण मिलने की खबरें आई थी, लेकिन अब अफ्रीका का एक देश तंजानिया है जहां फल और बकरी में संक्रमण मिलने का मामला सामने आया है। फल और बकरी में संक्रमण की खबर से तंजानिया में हड़कंप मच गया है। जानकारी के मुताबिक यहाँ एक विशेष प्रकार का फल पापा होता है जिसमें कोरोना पाया गया है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर यह भी कहा जा रहा है कि जिस कीट से जांच हो रही है वह खराब है, फिर से टेस्ट कराए जा रहे हैं। इस पूरे मामले में राष्ट्रपति जॉन मॉकफुली ने जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा कि जो टेस्ट किट विदेशों से आई है वो सही नहीं है। ऐसे कैसे हो सकता है कि भला बकरी और पॉपअप में कोरोना पॉजिटिव आए। उन्होंने सेना को इस टेस्ट किट की जाँच के आदेश दिए हैं। छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड जैसे अनेक ऐसे राज्य हैं जहां से बड़ी संख्या में मजदूर काम करने के लिए अलग अलग राज्यों में गए हुए हैं। उनकी घर वापसी हो रही है, स्पेशल ट्रेनें उनके लिए चलाई जा रही है, लेकिन घर वापसी करने वाले मजदूरों को लेकर के अब तरह तरह की बातें सामने आ रही है। कहा यह जा रहा है कि इन मजदूरों से संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है। फिलहाल इन सभी के विशेष इंतजाम कराने के निर्देश केंद्र सरकार की तरफ से दिए गए हैं। राज्य सरकारों को विशेष तौर पर यह चेतावनी दी गई है कि जो भी मजदूर लौट रहे हैं उनकी प्रॉपर स्क्रीनिंग हो, वो अपने गांव पहुंचने से पहले ही क्वारंटाइन सेंटर में क्वारंटाइन किए जाए। फिलहाल जो भी मजदूर वापस लौट रहे हैं उनको लेकर के विशेष दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं अधिकारियों को। और छत्तीसगढ़ में अब सरकार ये इंतज़ाम करने जा रही है कि जो मजदूर जिस भी ज़िले के होंगे वहां लौटेंगे, सबसे पहले उन्हें क्वारंटाइन रखा जाएगा 14 दिनों के लिए, उसके बाद ही वो अपने गांव लौट पाएंगे। इसके लिए व्यापक प्रचार प्रसार अभियान की शुरुआत भी कर दी गई है।